brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. जब भी कोई अभिनेता राजनीति में आता है तो वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसकी सिर्फ पॉलिटिकल एंट्री ना हो बल्कि एक सुपरहिट फिल्म भी लिखी जाए। पवन सिंह ने भी ऐलान किया, सुपरहिट फिल्म की तैयारी भी की, एक स्टोरी आई भी, चली भी, लेकिन 24 घंटे के अंदर पिट गई। नमस्कार प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। पवन सिंह अभिनीत एक और कहानी लिखी जा रही है, ये कहानी पूरी तरीके से राजनीतिक है, जिसकी जमीन काराकाट लोकसभा क्षेत्र है। काराकाट से पवन सिंह ने ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। पावर स्टार पवन सिंह अगर काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो दिक्कत सबसे ज्यादा एनडीए के सहयोगी दल आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा के लिए है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए उस सीट को बिल्कुल ही मुफीद सीट मानी जा रही है। उस सीट पर 3 लाख यादव वोटर हैं, वहीं 2.5 लाख कुशवाहा वोटर हैं और 2.5 लाख कुर्बी वोटर ही हैं। साथ ही वैश्य 2 लाख हैं, 2 लाख राजपूत वोटर हैं, 75,000 ब्राह्मण हैं, 50,000 उस सीट पर भूमिहार हैं और मुस्लिम मतदाता भी हैं। इसके साथ ही अन्य जाति के मतदाता भी वहां काफी संख्या में हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि पवन सिंह ने एक बड़ा गेम कर दिया है। पवन सिंह ने ये कहा जा रहा था कि पवन सिंह बीजेपी से टिकट चाहते थे, पहले ही लिस्ट में उन्हें टिकट मिला भी, सीट आसनसोल थी, 24 घंटे के अंदर उन्होंने टिकट लौटा दिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद इंतजार था कि उन्हें बिहार में शायद कोई दूसरी सीट दे दी जाए, लेकिन उन्हें ना आरा मिला ना बक्सर, सीट उन्हें कोई मिली नहीं, सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई। पवन सिंह इंतजार करते रहे, बीच में खबरें ये भी आई कि आरजेडी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है, हालांकि वो आरजेडी के खेमे में गए नहीं। लेकिन पवन सिंह जानते हैं कि अगर राजनीति करनी है तो लंबे समय की करनी है, अगर फिल्म चलानी है तो राजनीतिक फिल्म कम से कम 5 साल की तो जरूर हो, और पवन सिंह ने इसके लिए राजनीतिक जमीन जो चुनी वो काराकाट की चुनी। काराकाट की अगर राजनीतिक फिल्म पटकथा को आप देखें तो इस कहानी में ना बीजेपी है और ना ही आरजेडी है। दरअसल पवन सिंह ना बीजेपी से बिगाड़ रहे हैं और ना ही आरजेडी से। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो काराकाट की सीट आरएलएम के खाते में चली गई। यहां पर बीजेपी से सीधा उम्मीदवार नहीं होने से यह भी नहीं कहा जा सकता कि पवन सिंह की सीधी टक्कर बीजेपी के किसी उम्मीदवार से। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को देखें तो महागठबंधन में यह सीट सीपीआई माले के खाते में गई। यहां पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि पवन सिंह आरजेडी से टकराने वाले हैं, यानी ना तो वो मोदी से टकराने जा रहे हैं और ना ही लालू यादव से। उन्होंने बैलेंस किया हुआ है, एक और सामने निशाने पर आरएलएम है, दूसरी ओर सीपीआई एमएल है। ऐसे में पवन सिंह ने सबसे मुफीद सीट काराकाट को चुनकर यह तो साबित कर दिया कि वो इस फिल्म में अगर हीरो नहीं तो विलेन की मुख्य भूमिका जरूर निभा सकते हैं, जहां पर इस चुनाव को वो रोमांचक बनाकर उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर देंगे। यूं ही नहीं कहा जाता कि कोई भी अभिनेता फिल्म में भले ही थोड़े समय के लिए आए लेकिन अभिनय की ऐसी छाप छोड़ दे कि पूरे फिल्म में चर्चा सिर्फ उसी की होती है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भी इस बार चर्चा अब पवन सिंह की हो रही है। यहां से देखना होगा कि पवन सिंह इस राजनीतिक जमीन पर कितना टिकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।